हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा मेकअप लुक। कैसा लगा आपको ये वाला लुक, कमेंट डाउन करके आप ज़रूर बताना है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। दुर्गा माँ आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख है, कुछ भी है, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप जल्दी से अचीव कर लो। मैं तो आप लोगों के लिए यही विशेस मांगूंगी। अच्छा, जब हम ट्रेडिशनल मेकअप करते हैं ना, तो ये बंगाली ट्रेडिशनल मेकअप है। अगर कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने बैंगल्स डाली है ना, शाखा पोला जिसको बोलते हैं, वो मैंने आई थी उल्टी डाली है। ये मुझे बाद में इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए थे तब पता लगा, तो यार माफ़ कर देना। एंड ये जो साड़ी है, ये साड़ी है मीशो की, इसके ब्लाउज के पीछे डिज़ाइन है, ये आपको वीडियो में कहीं ना कहीं तो मैंने आपको बैक से क्लिप लिया, आपको नज़र आ ही जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। purple.com पे पर्पल नवरात्रि सेल चल रही है, अप टू 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। आज सेल का आखिरी दिन है, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स बाय करने आप इनको फटाफट से बाय कर लो। मैं तो गाइस अभी स्किन केयर करने वाली हूँ, बहुत बेस्ट वाली स्किन केयर होने वाली है ये। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का उपटन इंस्टा ग्लो फेस वॉश। ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, क्लेंजिंग करेगा बहुत अच्छी तरह से। एंड गुड वाइब्स अगर मैं एज अ ब्रांड की बात करूँ तो वीगन है, पैराबिन्स नहीं है, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल टेस्टिंग। और ये जो फेस वॉश है ना, जेंटली अनक्लॉग करेगा आपके पोर्स को, गंदगी हटाएगा, डेड स्किन सेल्स को हटाएगा, इम्प्योरिटीज हटाएगा, इम्पार्ट करेगा आपको यूथफुल ग्लो। मतलब यूज़ करोगे ना आपको खुद ही पता लग जाएगा। आई जस्ट लव द फेस वॉश, बहुत जेंटल है और हर एक स्किन टाइप को ये सूट भी कर जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने फेस वॉश ले लिया, अच्छी तरह से पूरे अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया है, मतलब मसाज कर लिया। अब मैं जस्ट पानी के साथ इसको रिंस कर लूँगी। सेफ्रन टर्मरिक एंड वाइटमिन B3 है ये वाले फेस वॉश के अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, सूथ करेगा आपके स्किन को, रिड्यूस करेगा रेडनेस को, मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को और स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाएगा। फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुड वाइब्स का ये न्यूली लॉन्च है उपटन 100% प्योर इंस्टा ग्लो पाउडर। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट ओ भाई साहब, ये ले लो फेस्टिव ग्लो। अगर आपको चाहिए ना तो ये प्रोडक्ट आप एक बार ले लो। दो चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यूज़ करेंगे। मेरे हस्बैंड को ना नई नई चीज़ें देख के बड़ी एक्साइटमेंट जगती कि अच्छा नया कुछ आया है, अच्छा मेरे लिए भी बनाना। फिर DIYs तो माई हस्बैंड, उनको लगाना ही लगाना है ना। सिर्फ मैंने गाइज इसके अंदर दूध ऐड किया है, मिल्क ऐड किया, और मैंने कुछ नहीं ऐड किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है और कुछ ऐड करने की। ये जो उपटन होता है ना, उसके बेनिफिट्स आपको पता ही है, नेचुरल एक्सफोलिएंट का काम करते हैं, डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, आपको ग्लो प्रोवाइड करेंगे, आपके स्किन को ना डिटॉक्सिफाई भी करेंगे। हर एक स्किन टाइप को ये सूट कर जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर है ग्राम फ्लोर पाउडर, बेसन, बार्ले फ्लोर पाउडर, टर्मरिक पाउडर है, सैंडलवुड पाउडर है, कपूर है, कपूर पाउडर है इसके अंदर, मिल्क पाउडर है। इतनी फेस्टिवल्स की ये जो भागा दौड़ी होती है ना गाइस, सेलिब्रेट आप उसको करो, लेकिन ना वो पाउडर्स को मिक्स कर कर के बनाने का ना कई बार टाइम नहीं होता है, तो बड़ा इजी टू है यार, ट्रैवल फ्रेंडली भी। आप इसको अगर कहीं पे जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको वहाँ पे भी ना कुछ टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, कोई पैक वगैरह लगा ले, तो यार बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूध नहीं सूट करता, आप एलोवेरा जेल इसके अंदर डालो या फिर यार सिंपल पानी में डाल के भी आप इसको मिक्स करके लगा सकते हो। मैंने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया क्योंकि मैंने नेक पे लगाया था ना, तो वो थोड़ा सा मैसी सा हो गया था, तो मैंने अपना दूसरा नाइट सूट डाल लिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लेंसेज डाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का इंस्टा ग्लो फेस सीरम। इसको तो मैं पहले भी आप लोगों के दिखा भी चुकी हूँ, रिकमेंड भी कर चुकी हूँ। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा, लाइट वेट है, फेस के ऊपर एक अलग सा ही ग्लो ऐड कर देता है। गुड वाइब्स की उपटन रेंज में ना गाइज आपको और भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप ना वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर सेफ्रन है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, टर्मरिक है, वाइटमिन B3 है, सेफ्रन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, सूद करता है स्किन को, एक अलग तरह से नेचुरल रेडियंस ग्लो प्रोवाइड करता है। हल्दी जो होती है रिड्यूस करती है रेडनेस को और साथ साथ में स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, काम करती है इरिटेटेड स्किन को। वाइटमिन B3 है जो हाइड्रेट करेगा, प्रमोट करेगा स्किन इलास्टिसिटी को, फाइट करेगा फ्री रेडिकल्स। एंड लुक एट माय स्किन, आई एम जस्ट लविंग इट। स्किन केयर गाइस मैंने बहुत अच्छी तरह से कर ली, अब बारी आती है मेकअप स्टार्ट करने की। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मुझे गुड वाइब्स की ना उपटन रेंज बहुत पसंद आई, लेकिन वो जो उन्होंने न्यूली लॉन्च वो जो पाउडर था ना गाइस, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर, क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स तो मैंने पहले यूज़ किए हुए थे, मुझे बहुत पसंद आए, बट उपटन पाउडर वॉज सो गुड, रिजल्ट बहुत अच्छा उसका, स्किन एकदम चिकनी लग रही थी। अच्छा चलो जी, हमने बात करते करते देख लिया आपने मेबलिन का, मैंने मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम लगा लिया अपने फेस के ऊपर।
लैक्मे का 9 to 5 यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, वेरी लाइट वेट एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वाला फाउंडेशन है। इसके साथ बहुत ब्यूटीफुल लुक आते हैं, बड़े नेचुरल सा लगता है। एंड 200 न्यूट्रल न्यूड मेरा शेड है। मेबलिन का यहाँ पे हमने कंसीलर लगा लिया, बहुत हल्का हल्का सा कंसीलर लगाएंगे एंड उसको हम फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरह से गीला कर लेना, एक्सेस वाटर को आप स्क्वीज आउट कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मिस क्लेयर का मैं लूज पाउडर ले रही हूँ। मैंने सोचा अगर आप थोड़ा सा बाहर जाते हो, थोड़ा सा आप वाटर प्रूफ मेकअप बनाना चाहते हो, तो आप कॉम्पैक्ट लगाने के बजाय लूज पाउडर लगा लेना। भाई पता नहीं क्या हो गया था, तो 3 बार मुंह में ब्रश मारा, 3 बार इतना पाउडर झड़ गया, सारा मेरा मुंह सफेद हो गया। पहले मैंने सोचा वाली क्लिप हटा दूं, बट मैंने सोचा नहीं, देखो 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 बैक कैमरा में देखो, ऐसे ही होता है बिहाइंड द सीन। हमेशा परफेक्ट नहीं लगता, कई बार धप करके लग गया था पाउडर। एनीवेज लूज पाउडर हमने लगा लिया, उसको एक्सेस को रिमूव कर दिया। ब्राउज मैंने अपने फिल कर लिए अच्छी तरह से, वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट थी यहाँ पे, हमने रूट कॉस्मेटिक्स की आई शेडो पैलेट ले ली है। वहां से हमने ये क्या लिया यार, थोड़ा सा येलो टोन, नहीं ये ब्राउनिश येलो ऑरेंजी, तीन तीन रंग इसमें से टोन आ रही थी, तो बस मैंने वो वाला शेड ले लिया। अपने पूरी क्रीज बिल्डअप कर ली, आउटर वी पे प्लेस कर दिया और लोअर वाटर लाइन पे भी हमने प्लेस कर दिया। अब ये थोड़ा सा रस्ट कलर था, हाँ रस्ट कलर था ये, इसको मैंने आउटर वी पे प्लेस कर दिया और पूरे नीचे अपना आईज के नीचे यहाँ पे इसको मैंने स्मज कर लिया। किसी ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि दी आप ना थोड़ा डिफरेंट आई मेकअप लुक करो, आपने बहुत सिंपल किया। अरे ओकेजन देखना चाहिए ना भाई, एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो मेरी ऑडियंस है वो क्या करेगी। अब तीज त्योहार वाले दिन आई डोंट थिंक सो कि आप कट क्रीज करने बैठोगे, प्रैक्टिकली जो आप करोगे ही नहीं मेकअप, देन व्हाट इज द पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इतना मैं भी एफर्ट लूं, और प्रैक्टिकली मैं भी किसी तीज त्योहार में बैठ के कट क्रीज तो करूंगी नहीं। माई हस्बैंड विल नॉट वेट फॉर दिस मच, उन्होंने बोला तुम मेकअप करती रहो, मैं जा रहा हूँ अपना। लाइक अगर हम दिवाली वगैरह पे तैयार होते तो कुछ भी। ओके बातें करते करते आपने देख लिया, मैंने सिल्वर कलर लिया था ये वाले हाइलाइटर में से और इसको मैंने जस्ट अपने आगे आगे प्लेस कर लिया। मेबलिन का यहाँ पे मैंने लिक्विड आईलाइनर ले लिया, उसके साथ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। पता नहीं आगे मैंने आज पॉइंट बनाया, दिख रहा है आपको आगे, आपको वो थोड़ी सी पंजाबी में बोले तो चोंज गड्डी हो या पहली बार गड्डिया मैं अच्छा लाइनर अभी पीछे वाला ना इनकम्प्लीट लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। फिर मैंने क्या किया ना, स्विस ब्यूटी का यहाँ पे काजल ले लिया मैंने, उसको मैंने अपर लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया, तो ये बहुत पिगमेंटेड था। मैंने लगाया ना काजल और मैंने क्या किया कि उसको जो आगे जो मैंने पॉइंट बनाया ना उसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आईज और ये बड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था पीछे से, तो मैंने ऑफ कैमरा ये सारा ज्वाइन ज्वाइन कर लिया और एकदम एलमंड शेप अपनी आईज को बना लिया। वैसे भी बंगालीज जो होते हैं वो थोड़ा सा डार्क आईलाइनर लगाते हैं ना, है ना, डार्क आईलाइनर, डार्क काजल, तो वैसा ही मैंने कुछ कर लिया। और पर्पल के यहाँ पे मैंने मस्कारा ले लिया है, अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज पे लगा लिया, बड़ा ही ब्यूटीफुल वाला पर्पल का मस्कारा है यार, बिल्कुल भी आपकी लैशेज को ना क्लम्सी नहीं बनाता, चिपचिपा सा नहीं बनाता एंड लंबा भी करता है और घना भी कर देता है। हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे पर्पल का ना मस्कारा बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रॉन्जर ले लिया था, पूरे अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया था। अब ये मार्स की पैलेट है, उसके साथ मैं ब्लश अप्लाई करूंगी कोरल टोन में एंड सेम पैलेट में से मैंने हाइलाइटर भी ले लिया, और इस पैलेट का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, ये मार्स की पैलेट का ना पसंद है इसका मुझे हाइलाइटर, बड़ा नेचुरल वाला ग्लो देता है। ओके ये जो बहुत सिंपल वाली लैशेज आपको कहीं पे भी मिल जाती हैं वो लैशेज ले ली थी, और साथ में मैंने ग्लू के साथ यूरोप गर्ल की ग्लू थी उसके साथ चिपका लिया। साड़ी मैंने अपनी चेंज कर ली, साड़ी मैं आपको फिर से बोलूंगी मीशो की साड़ी है, इसका ब्लाउज अलग से आया था, मैंने इसको स्टिच करवाया था टेलर से। लिपस्टिक मुझे ऑब्वियसली एक बोल्ड रेड कलर अप्लाई करना था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का सुपर स्टे मैट इंक में से, शेड नंबर 20 है ये, पायनियर वन ऑफ द ब्यूटीफुल डीप रेड कलर है ये, बहुत सुंदर वाला रेड कलर। आई थिंक ये वाला जो कलर है ना हर एक स्किन टोन को मैच करेगा, तो अगर आपको कोई ब्यूटीफुल वाली सुंदर रेड कलर की लिपस्टिक चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, शेड नंबर 20 पायनियर, ठीक है। ओके अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अपना सिंपल सा हेयर स्टाइल कर रही हूँ, बालों को खुला रखूंगी आज मैं। मैं एक और लुक लेके आऊंगी, ओ गॉड प्लीज मैं लेके आ सकूँ, ठीक है एक और लुक लेके आऊंगी मैं दुर्गा पूजा के लिए जिसमें मैं अपने बालों को टाई करूंगी। तो ये है खुले बालों वाला और एक सुंदर सी रेड कलर वाली बिंदी, मरून बिंदी नहीं क्योंकि रेड बिंदी मेरे ब्लाउज के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। और पहले मैंने सोचा थोड़ी दूसरी गोल्डन वाली ज्वेलरी डालूँ, बट आई थिंक मेरा मन किया मैं कुछ ऐसा वाला डालती हूँ,
जिसमें वाइट पर्ल्स भी लगे हुए थे, तो जस्ट मैंने ऐसे ही पेयर अप कर लिया ज्वेलरी को। आप अपनी पसंद से कोई भी ज्वेलरी पेयर अप कर सकते हो। एंड ये जो सेट था मिंत्रा का था। अच्छा, मैं यहाँ पे बड़ी खुश हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। यार क्या करें यार, कई बार ना मैनेज नहीं कर पाते टाइम को, बट जब मैं फाइनली जैसा प्लान करती हूँ ना कोई मेकअप लुक, अगर मैं ऐसा पूरा कर लूँ ना, मेरा दिल बड़ा खुश होता है। क्योंकि यू नो ना यार, दुर्गा पूजा मेकअप लुक है, नवरात्र मेकअप लुक है, दिवाली मेकअप लुक, करवा चौथ, ये दिल से मैं करती हूँ यार। बड़ा मजा आता है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने में जब पूरा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा तो नाचना बनता ही बनता है ना। बातें करते करते हमने सिंदूर लगा लिया, और ये जो हमने बैंगल्स डाले बंगाली वाले, शाखा पोला उल्टा डाला है मैंने, क्योंकि इसके बाद ना मैं इंस्टा रील बनाने बनाने लगी, तो वहां पे किसी ने कमेंट किया, बट तब तक मैं ये वाली वीडियो शूट कर चुकी थी। आई वॉज लाइक ओके, मैं दोबारा से क्लिप्स नहीं लूंगी, नेक्स्ट मेकअप लुक में हम अपनी गलती को सुधार लेंगे। बाय बाय।